पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले, सब्सक्राइब करें NS Now। आप सभी साथियों को कल की बैठक के बारे में आज हमें बताना था। कल हमने कई पोस्टें बहुत सारे लोगों की पढ़ी, बहुत लोग अलग अलग अपनी टिप्पणियां कर रहे थे और अलग अलग जानकारी दे रहे थे। कल बहुत रात हो गई थी जिसकी वजह से पूरी जानकारी एकत्रित करने में उस बैठक में शामिल माननीय MLC महोदय और अधिकारियों से मिलकर जब पूरी चीज़ निकल करके आई, हमने कहा तभी आपको बताया जाए। सभी साथियों को मैं अवगत करा दूं, कल एक बैठक विधान भवन के सभा कक्ष में हुई थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय सभापति विधान परिषद के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक का उद्देश्य था कि बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में जो भी समस्याएं इस समय चल रही हैं, वह चाहे छात्र हित में हो, चाहे शिक्षक हित में हो, उन सबका निराकरण कैसे होगा और उसमें कितना समय लगेगा और उन समस्याओं में क्या क्या हो सकता है, इस पर चर्चा होने के लिए कल बैठक हुई थी। क्योंकि सरकार आप सबके मामले में कुछ निर्णय लेना चाहती है, वह चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, चाहे विषय विशेषज्ञ हों, चाहे संस्कृत शिक्षा के लोग हों, चाहे तदर्थ शिक्षक हों, सबके विषय में एक निर्णय लेना चाहती है। सरकार ने मन बनाया है, इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया था माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। और उप मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट कल किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, आज विधान भवन कार्यालय में माननीय विधायक गणों व शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े विषयों तथा छात्र व शिक्षकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और सभी समस्याओं को त्वरित गति से समाधान हेतु निर्देशित किया। ये ट्वीट किया था और उसी में उन्होंने गागर में सागर भर दिया था। इस बैठक में आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में माननीय शिक्षक MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी, माननीय शिक्षक MLC श्री बाबूलाल तिवारी जी, माननीय शिक्षक MLC श्री उमेश द्विवेदी जी, माननीय शिक्षक MLC श्री अरुण पाठक जी, माननीय MLC मानवेंद्र सिंह गुरु जी, माननीय MLC ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी और माननीय MLC श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्री लाल बिहारी जी मौजूद रहे। और मैं बेसिक की बात पे आ रहा हूँ कि बेसिक शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख सचिव आदरणीय NK सुंदरम जी, बेसिक शिक्षा के निदेशक श्रीमान प्रताप सिंह बघेल जी और उप निदेशक संयुक्त निदेशक महोदय सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद भी थे, जिसमें 69,000 वाला भी मामला उठा, तमाम सारे मामले उठे। लेकिन जब शिक्षा मित्र का मामला आया तो शिक्षा मित्र के मामले में काफ़ी देर उसमें चर्चा हुई है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और माननीय MLC गणों का, जिन्होंने शिक्षा मित्रों के मामले में बहुत संजीदगी से एक एक बात को उठाया, जिसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों का जो ये समायोजन का एक चल रहा है, कल से हमने एक मैसेज देखा है, लोग व्हाट्सएप पे हमसे पूछ भी रहे थे, फ़ोन करके पूछ रहे थे कि समायोजन का मतलब क्या है। तो हमने एक बार पहले भी आपको बताया था कि आप भ्रमित ना हो, समायोजन का मतलब है मूल विद्यालय या अगल बगल के विद्यालय में आपका समायोजन, जो भी स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो समायोजन से संबंधित है, उसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये आदेश बहुत जल्द सरकार द्वारा होने वाला भी है, हमें जानकारी भी है उसकी। मूल विद्यालय का मतलब समायोजन से है, इसको सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन से मत जोड़िए। तो समायोजन के लिए आदेश बहुत जल्द आपका होने वाला है, उसमें आपका मूल विद्यालय, अगर मूल विद्यालय में दो शिक्षा मित्र हैं तो आपकी ग्राम पंचायत के दूसरे विद्यालय में आपको समायोजित करने की व्यवस्था बन रही है। महिला शिक्षा मित्र बहनों के लिए, अगर वह अपने मायके से ससुराल जाना चाहती हैं तो उनको उसमें प्राथमिकता मिलेगी। और हमारी जो बहनें एक जिले से दूसरे जिले में जिनको शादी हो गई है, उनके लिए भी व्यवस्था सरकार ने बनाने के लिए कहा है, इसके लिए भी हम सबको धन्यवाद देंगे। बाकी दूसरी चीज़ जो चल रही है, हमारे आर्थिक व्यवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण है, मानदेय जो हमारा 10,000 हमको मिल रहा है, इस पर सभी माननीय MLC गणों ने कहा है कि महंगाई के अनुरूप कोर्ट की व्यवस्था को देखते हुए और सरकार की जितनी क्षमता हो अधिक से अधिक मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था की जाए, ये हमारे सभी माननीय MLC गणों ने कहा है। और निश्चित ही जो हमें जानकारी मिल रही है तो एक अच्छी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। और हमारी मूल समस्या जो आर्थिक है,
इस पर कई माननीय सदस्यगणों का अलग अलग विचार आया, जिस पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले आप लोग एक डिसाइड कर लीजिए कि इतनी व्यवस्था कर दी जाए जिससे शिक्षा मित्र का परिवार चल जाए और शिक्षा मित्र संतुष्ट भी रहे। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि कमेटी बना करके मामला लटकाया गया है, ऐसा नहीं है। कमेटी बना करके कोई मामला लटकाने का नहीं है, क्योंकि सभी लोगों से हमारी बात हुई है। उस बैठक में शामिल माननीय एमएलसी महोदय, श्रीमान अधिकारीगणों से हमारी बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 महीना तो एक व्यक्तिगत रूप से कहा गया है, लेकिन उसके पहले ही इसकी व्यवस्था बनेगी और उसका निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसके साथ ही मानदेय बढ़ाने के साथ ही उसमें चर्चा हुई है, जो हुई है मैं वो बता रहा हूँ। आगे क्या होता है वो सरकार का निर्णय होगा, और जो सरकार का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। दूसरी बात, वहाँ इंक्रीमेंट की भी हुई है। वहाँ प्रत्येक वर्ष या हर दूसरे वर्ष महंगाई के अनुरूप जैसे राज्य कर्मचारियों का TA/TA बढ़ता है, उस तरह से शिक्षा मित्रों का जो भी निर्धारित आर्थिक व्यवस्था होगी उसके बाद महंगाई के अनुरूप तो उसमें इंक्रीमेंट की भी व्यवस्था है। मूल विद्यालय वापसी के साथ अंतर जनपदीय दूसरे जनपद की व्यवस्था, मानदेय वृद्धि, इंक्रीमेंट महंगाई के साथ, और स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था बनाने पर भी कल की बैठक में चर्चा हुई है। कल से 2-3 पोस्टें घूम रही थी, मैं पढ़ रहा था, जिनमें निराधार बातें लिखी थी। कोई 18,000 की बात कर रहा था, कोई 15,000 की बात कर रहा था, कोई 25,000 की बात कर रहा था, ये सब गलत बातें हैं। हाँ, हमारे माननीय MLC गणों ने अच्छी से अच्छी मानदेय की व्यवस्था करने की बात कही है, और एक इसका स्थायी हल करने की बात कही है, जो जल्दी ही इसका निराकरण होगा। और मैं उन माननीय MLC महोदय और हमारे अधिकारियों ने भी, जो सच्चाई है हमारे सम्मानित अधिकारियों ने, जिसमें निदेशक महोदय ने, प्रमुख सचिव महोदय ने, संयुक्त निदेशक महोदय ने, सब ने अपनी सहमति जताई है कि सरकार जो भी निर्धारण कर देगी उसकी व्यवस्था विभाग करेगा। तो ये कल की बैठक का एक संक्षिप्त सार था, जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था। एक गुजारिश और आपसे करूँगा कि अगर सरकार से कुछ अच्छी व्यवस्थाएं लेनी है तो ये जो आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे कुतर्क करते हैं, इसको बंद कर दीजिए। कुछ लोगों ने तो हमें बता दिया कि हम सरकार के पक्ष में बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? अगर सरकार हमारे लिए काम कर रही है, सरकार के पक्ष में बिल्कुल बात करेंगे हम। सरकार जब हमारी समस्याओं का समाधान करने जा रही है तो हम सरकार के पक्ष में बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। जिसको सरकार से ना लेना हो वो सरकार के विरोध में बात करे। मुझे सरकार से लेना है इसलिए मैं सरकार के पक्ष की बात कर रहा हूँ, और सरकार हमें देने जा रही है। इसलिए समय जो भी लगे, 1 महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, हमको सरकार से अब अपने लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए सरकारी व्यवस्था चाहिए। सरकार की जो चीज़ें हैं वो हमको मिलनी चाहिए। एक बात और, आप लोग देख रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कह रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हमारी बहुत जल्दी होने वाली है और उसकी सूचना भी आपको मिलेगी, और हम प्रयास करेंगे कि अन्य संगठन के लोग भी जो हैं उनको भी हम साथ ले चलें, हमारा प्रयास है। हालांकि हमने 5 सितंबर के धरने में सभी संगठनों को बुलाया था, लेकिन उसमें से जो आए उनका स्वागत रहा, जो नहीं आए उनका भी स्वागत रहा। हमने संयुक्त बैनर बनवाया था, संयुक्त कार्यक्रम किया था, लेकिन फिर भी हमारी व्यवस्था यही है कि जब भी हम जाएंगे जो भी संगठन के प्रतिनिधि हैं उनको ले जाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री से जो भी बात होगी सबके सामने होगी, और जल्दी हमारी मुलाकात होगी। सरकार बिल्कुल मूड में है करने के, कब हमारा भाग्य उदय हो जाए बस ये हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। 12 महीने की बात हुई है कल, 12 महीने की बात हुई है, 12 महीने मानदेय की भी बात हुई है, ये बात मैं भूल रहा था। 12 महीने के मानदेय पर भी कल चर्चा, मैं बता रहा हूँ कम से कम आधे घंटे शिक्षा मित्रों पर चर्चा हुई है, और यह बात वहाँ मौजूद सम्मानित अधिकारीगण और सम्मानित माननीय MLC महोदय के साथ में जानकारी हुई है। और हमने कहा कि जो सरकार करने जा रही है वो पहले आए, हमको मिले, शासनादेश जारी हो, हम उसका स्वागत करेंगे। फिर जो भी चीज़ें अगर रह भी जाती हैं, छूट जाती हैं, उसके लिए आगे प्रयास करेंगे। इसके लिए आपका संगठन मजबूती से खड़ा है, और हमारे अगले कार्यक्रम भी एकदम तय हैं। बहुत जल्द आपको शासनादेश भी 1-2 मिलने जा रहे हैं। इस समय सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी पैरवी सरकार में शामिल माननीय MLC महोदय कर रहे हैं, और हमारे माननीय मंत्री जी पूरी शिद्दत के साथ हमारी मदद करने में लगे हैं। मैं माननीय मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं, और निश्चित ही माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में माननीय MLC गणों के सहयोग से हम सभी शिक्षा में साथियों के दिन अच्छे आएंगे। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, सभी जगह के शासनादेश लिए गए हैं, और सब वहाँ पर पहले भी दिए गए थे और इस बैठक में भी शामिल थे। इसलिए बहुत ये समझ लीजिए कि 1-1.5 महीना जो भी हमारा समय लगेगा इस प्रक्रिया में, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला कार्यक्रम भी बहुत जल्द हम आपको देने जा रहे हैं, और शासनादेश जारी होने दीजिए, कुछ व्यवस्था होने दीजिए, निगेटिव मत रहिए। लेकिन मैंने कहा कि जो भी
जो भी समय बीच में लग रहा है ये आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। आप लोगों को बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। और अभी माननीय मंत्री जी से मिले थे, पंकज चौधरी जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है, बात किया है। और अभी आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री से बात किया है। हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, अनुदेशकों के लिए भी लगातार बात चली है और उम्मीद है कि हम लोगों के साथ साथ अनुदेशक साथियों का भी भला होगा। दो दिन बाद हो सकता है कुछ और अच्छी जानकारी आपको मिले। कल सोमवार है, कल ऑफिस खुलेगा और जो मिनट्स जारी हुए हैं उनमें जानकारी मिलेगी पूरी। और जैसे कुछ लोग कहते थे कि आपका इतना बड़ा धरना हुआ लेकिन कोई लिखित में जारी नहीं हुआ, तो लिखित में जारी होने से मतलब नहीं, काम होने से मतलब है। हमारे अनुदेशक साथियों के लिए कार्यवृत्ति जारी हो गई थी तो हमारे कुछ लोग मार उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिए थे ग्रुपों पर कि अरे देखिए इतने लोगों ने जा करके कार्यवृत्ति जारी करा लिया, आप कुछ नहीं करा पाए। तो कार्यवृत्ति जारी होने के बाद काम कहाँ हुआ? अगर कार्यवृत्ति जारी हुई काम तो नहीं हुआ। तो हमारा मेन मकसद है इस समय काम पर फोकस है, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कराना है। सभी साथियों को नमस्कार।